नमस्कार। अवंतिका स्टोरीज में आज जो एक घटना बताने जा रही हूँ, वो घटना अचानक अभी पेपर में मैंने पढ़ा कि अफगानी औरतें एक एजिटेशन कर रही हैं, वेयर इज़ माई नेम। उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाया जाता है, उन्हें कभी उनके पिता के नाम से, कभी उनके पति के नाम से, या कभी उनके बेटे के नाम से बुलाया जाता है। और अगर वो कभी ये शौक पाल भी लें, अगर गलती से उन्होंने डॉक्टर को या किसी और को अपना नाम बता दिया, तो उनके घर में बहुत बुरी दशा की जाती है। कितने सारे पिक्चर्स आप देखें, आप जब मैगजीन्स उलटेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको दिखेगा किसी के नाक काट लिए गए हैं, किसी के कान काट लिए गए हैं, किसी को उसके पति ने थूर के उसका मुंह खराब कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम बाहर वालों को बताया। बाहर वाले कौन? डॉक्टर, नर्सेज, इनको भी उनको बताना मना था। ये घटना से मुझे आज से 20 साल 25 साल पहले 89 मार्च अप्रैल के में एक घटना पे मुझे ले गई, जब इटली में मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। वहाँ पे कुछ हम लोग ने होटल छोड़ दिया था और हम लोग फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तभी अचानक कुछ सुंदर सामान दिखा और लगा कि इसे खरीद लेना चाहिए। हम लोग उतरे, हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने मना किया, ये आप गलत कर रहे हो, फिर भी एक लग रहा था, एक कुछ सामान था, वो बहुत अपील कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा 2 मिनट में हम लोग लेके चले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसे ही हम लोग उतरे, काफ़ी जिप्सी लेडीज़ आके मेरे हस्बैंड के चारों तरफ एक घेरा बना के खड़ी हो गई, और उसके बाद उन्होंने इस तरह से किया कि हम और हमारी बेटी दौड़ के थोड़ी दूर पे जाके खड़े हो गए। लगा हमें कि पता नहीं ये लोग क्या कर रही हैं। और मुझे अपने बच्चे की डर थी कि बच्चा चोरी करेंगे, इसलिए मैंने अपने बच्चे को उठाया और छोटी थी उसको लेकर हम एक किनारे खड़े हो गए। थोड़ी देर में वो लोग चले गए, और जाने के बाद अचानक पता लगा कि उन्होंने सारे पैसे, पासपोर्ट, वीज़ा के कागज़ सारे उन्होंने निकाल लिए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, तो बहुत हैरान परेशान पुलिस स्टेशन गए। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद जहाँ सारे लोग रो रहे थे, मुझे हंसी छूट गई। वहाँ पे कम से कम तो 20 से 25 फैमिली बैठी थी जिनके घर सारे चीज़ चोरी हो गए थे, और पुलिस वाला परेशान जोकर की तरह दिख रहा था क्योंकि सारे फॉरेनर्स थे। कुछ समझ में नहीं आने के बाद रिपोर्ट लिखा के रिपोर्ट की कॉपी लेकर हम लोग बाहर निकले, तो टैक्सी वाले ने, उसी टैक्सी वाले ने जिसके हम लोग गए थे, उसने सजेस्ट किया कि आप एक बार एम्बेसी चले जाओ। जब एम्बेसी गए तो पता लगा कि एम्बेसी फ्राइडे शाम हो गया था, फ्राइडे को अब बंद हो गया है, अब मंडे खुलेगा, तो आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, आप एम्बेसडर के पास चले जाओ। एम्बेसडर मिस्टर खलीली, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, मिस्टर खलीली थे, उनके घर हम लोग गए तो पता लगा मिस्टर खलीली बाहर गए हुए हैं, चूँकि 2 दिन और छुट्टी है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं, और वो आज भी आ सकते हैं और नहीं तो फिर वो मंडे ही आएंगे। सुनने के बाद थोड़ा सा हम लोग चुपचाप खड़े थे, तभी मेरी बेटी पे उनकी बेटी की नज़र पड़ी, और उनकी बेटी 20-21 साल की होगी। वो बाहर आई और आकर उसने अपना परिचय दिया कि मैं मिस्टर खलीली की बेटी हूँ, और मेरी बेटी को लेकर वो अंदर चली गई। चूँकि हम लोग दोपहर से भूखे प्यासे परेशान हैरान थे, तो जब वो लेके चली गई तो, और हम लोगों को भी उसने बुलाया, पीछे पीछे हम लोग भी गए। खूब सुंदर, बहुत सजा हुआ एक ड्राइंग रूम में उसने बैठाया हम लोगों को, लेकिन बच्चा गायब हो गया। वो अंदर लेके चली गई और उसके साथ खेलने लगी। उन लोगों को भी इंडियन लोग मिलते नहीं थे, काफ़ी परेशानी थी, बाहर वो लोग जा नहीं सकते थे, तो एक इंडियन फैमिली देख के उनका इंटरेक्शन का मन कर गया। बच्चे को खाना पीना तो उन लोगों ने खिला दिया, और हम लोगों के लिए भी चाय नाश्ता भेजा जो हम लोग खाए। तब तक करीब 2-2.5 घंटे के वेट करने के बाद मिस्टर खलीली बाहर से वापस आए। वो हमारा लक था,
लेकिन आते ही उन्होंने जब हम लोगों को देखा और पूछा कि क्या हुआ, बताने पर कि हमारा सब चोरी हो गया और हम लोग का वीसा पासपोर्ट भी नहीं है, हम क्या करें। मिस्टर खलीली ट्राई किए कि किसी तरह से वो मिल जाए हमारा इस पे, लेकिन उसके पहले का एक घटना है वो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो आउटराइट बिगड़ गए। वो एकदम गुस्से में आ गए और बोले कि मैंने मना किया हुआ है यहाँ लोगों को आने के लिए, यहाँ चोरी होती है, सावधानी से आए, लेकिन कोई मानता नहीं है, सब ऐसे आते हैं जैसे पड़ोस में टहलने जा रहे हो। ये सुनना था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा उठो चलो, और मैं उठ के खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है अपनी वाइफ को टैकल करें या मिस्टर खलीली से बात करें, और मिस्टर खलीली गुस्से से भूत मैं बाहर जाने लगी। मिस्टर खलीली को समझ में नहीं आया कि ये बाहर क्यों जा रही है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि वाई शी इज़ गोइंग आउट, शी इज़ गोइंग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यस शी इज़ गोइंग बिकॉज योर ट्रीटमेंट वॉज नॉट गुड फॉर अ लेडी। उनको समझ में आई ये बात, वो बोला मैम मैम प्लीज़ कम प्लीज़ कम। मैं वापस आने के मूड में नहीं थी। फिर उनकी जो वहाँ पे और लेडी फ्रेंड्स थे वो लोग दौड़े आके मेरे पास से मुझे बुला के ले गए। मैं गई बैठी, लेकिन मेरा बैठने का या मेरे फेस से ऐसा लग रहा था कि मैं अब एक मिनट यहाँ रुकने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ये पता था कि मिस्टर खलीली हमारे जैसे लोग के लिए भी हैं, और हमारे घर से लोग फॉरेन जाते रहते थे, तो मुझे ये पता था कि ये क्राइसिस मेरे लिए तो है ही, बट ये मिस्टर खलीली के लिए भी है। वो वहाँ एम्बेसडर हैं हमारे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। खैर किसी तरह से बात हुआ, बहुत उन्होंने कोशिश की, फ्लाइट को थोड़ा देर रोका भी गया, और सारे पुलिस कमिश्नर को इसको फ़ोन करके कम से कम पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन पासपोर्ट भी नहीं मिला। तो फिर अंत में ये तय हुआ कि हम लोग एम्बेसी में जाकर रहेंगे। चोरी हो गई उसकी तकलीफ़ तो थी, काफ़ी सामान चोरी हो गया, वीसा पासपोर्ट चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, लेकिन ये जो एम्बेसी वाला एक्सपीरियंस था ये अपने आप में बहुत मज़ेदार था। किसको मिलता है बैठे बैठे एम्बेसी रहना, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। खैर हम लोग एम्बेसी गए, एम्बेसी में उन्होंने एक ऑफिसर को बुलाया और उनके साथ ही हम लोग टैक्सी में गए। उसने हमें कुछ पैसे दिए, अरे बाबा वो इतने 1,000 रुपये थे, और उसका कंक्लूजन था 100 रुपया इतने सारे नोट थे कि वो समझ में नहीं आ रहा था। खैर हम लोग वहाँ रुके, वो ऑफिसर हम लोगों को सेटल करके चला गया। रात में मुझे खाने को अफगानी पुलाव मिला, और वो अफगानी पुलाव उसी ऑफिस में एक गार्ड था, उस गार्ड की वो गर्लफ्रेंड थी, जिसने ये सुना कि एक फैमिली आके रहा है, उसमें छोटा बच्चा भी है, तो उसने अपनी तरफ से वो बना के दिया, क्योंकि उस गार्ड को खाना बनाने तो आता नहीं था। मुझे भी वहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो भूखे कैसे रहते, पैसे इतने थे नहीं कि हम लोग बाहर निकल के खा के और फिर आ जाए, और डर भी लग रहा था। 2-3 दिन उसने बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अरे खूबसूरत तो ऐसी थी कि मत पूछिए, इतनी सुंदर अफगानी लेडी मैंने देखी है, सारी तो सुंदर ही होती हैं बट उसके जैसी भगवान बचाए, माशाल्लाह। लेकिन जब मैंने उसे नाम पूछा तो वो डर गई, उसने कहा नहीं नाम नहीं नाम नहीं। मैं हंस गई, हंसने लगी, मैंने बोला कि आपको हिंदी आती है, तो उसने कहा कि नहीं उसे इसे बस इतना ही आता है, नाम नहीं नाम नहीं। बोले क्यों, उसने कहा नाम बताने से इनके घर वाले इनकी जान ले लेंगे, अगर गलती से किसी ने कभी नाम से पुकार लिया तो इनकी जान ले लेंगे। और तब
एक मिनट के लिए मैं बहुत खुश हुई, दुखी उसके लिए हो रही थी, लेकिन अपने लिए इतनी खुश हुई कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, ये हिंदुस्तान मुझे आज़ादी देता है, मैं अपना नाम पिता के नाम के साथ जोड़ूं, भाई के नाम के साथ जोड़ूं, न जोड़ूं, पति के नाम के साथ जोड़ूं, न जोड़ूं, मेरा ये अपना डिसीज़न होगा। और वो अफगानी लड़की अफगान से एक तरह से भाग के आई थी, वो इसलिए भागी थी कि वो अफगान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई थी। यहाँ आकर भी वो एक इंडियन से शादी करके बसना चाहती थी ताकि उसे उस तरह के जल्लत से रूबरू ना होना पड़े जैसा वो अफगान में देख के आई थी। मेरी काफ़ी दिन उससे बात होती रही, लेकिन उसके बाद मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, सारा कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे वो संबंध टूट गया। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं, मिस्टर खलीली कहाँ है वो भी नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर खलीली ने हेल्प बहुत किया। मैं आज इस माध्यम से उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। धन्यवाद।